इतना बार बारिश हुई, मेरे को नहीं पता कि बारिश हो रही है। सामने दुकान थी, बीच में रोड क्रॉस, इतने तेज वो पानी बह रहा था कि उधर नहीं आ सकते। आराम से बैठी, ध्यान किया। उस वक्त ऐसा ध्यान लगा कि 1 करोड़ रुपए देने के बाद भी वो ध्यान नहीं लगवा सकते। पूरा शरीर ब्रह्मांड, सुई की नोक जितनी जगह खाली नहीं, नदी नाला वो सब कुछ शरीर के अंदर ही। ऐसे दर्शन हुए कि मत पूछो। और कभी भी मैं सोच के ये नहीं बैठ सकी आज मेरे को क्या होगा या क्या दिखेगा, ऐसा कभी भी मैं सोच के नहीं बैठी। अनजान में बैठ जाती और ध्यान रखता। शुरू में ध्यान किया, उस वक्त इतनी गर्मी हो गई कि थोड़े छाले होने लगे। मैं खूब मन लग रहा था ध्यान करी थी। गुरुदेव के पास गई, मैंने कहा गुरुदेव मेरे को तो इतनी जलन होती। गुरुदेव के मिर्ची खाई ना मैंने 14 साल तक, मिर्ची नहीं खाई, लाल मिर्ची, मगर मिर्ची की सब्जी खाई, बहुत अच्छी लगती थी। फिर धीरे धीरे वापस इस सांसारिक रूप में आ गए, बेटों की शादी की, वो मैं कहती है साथ में जिमू, फिर वो थोड़ी थोड़ी करके मिर्ची शुरू हो गई, पर 14 साल तक मैंने मिर्ची नहीं खाई लगभग। और गुरुदेव जब घर पे आए तो मेरी बहुत इच्छा थी गुरुदेव कब घर पे आएंगे। मेरा शहर में छोटा सा घर था, अब तो दोनों बच्चों के बड़े बड़े घर हैं, सतारपुर में छोटा सा घर था। मैं गुरुदेव के पास गई तो गुरुदेव ने कहा अमावस के बाद बीच में आएंगे तेरे घर। और मैंने कहा गुरुदेव ने ये कहा घर आएंगे, और ये क्या बात, मतलब गुरुदेव उस घर आए हमारे। और गुरुदेव के पास तो वहाँ जहाँ जहाँ गुरुदेव रहते थे ना वहाँ हम चले जाते, श्याम की वक्त जो बैठ के ध्यान करते, कभी थोड़ा सा कुछ बना के ले जाते, कभी बिना मिर्ची की सब्जी, कभी कुछ। गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा थी, बहुत बड़ी कृपा। और जब यहाँ आए ना गुरुदेव के पास, ये छोटा सा बना हुआ था, छोटा सा गेट था, गुरुदेव के टिड्डी दल की तरह लोग आएंगे बर्सी पे, गुरुदेव के 7 बर्सी पे आए थे हम यहाँ पे बस में, तो क्या टिड्डी दल की तरह यहाँ लोग आएंगे। अभी वास्तव में यही बात है कि बर्सी पे इतने लोग आते हैं कि पूछो ना। और बाबा बच के भी अनन्य चमत्कार है, ये तो एक ढूंढे का गुड़ है, गुड़ खिला दो बता नहीं सकेगा कि क्या है, इतना चमत्कार है। जो जो चीज़ें अपन दर्शन शास्त्र में पढ़ते हैं ना वो पूर्ण शक्ति अपन को प्रैक्टिकल दिखती है। और मैं तो आपको भी कहूँ जो आपको हो गए वो मानना, किसी के कहने से मत मानना, और जरूर दिखाएंगे अपन के प्रारब्ध है, किसी के जल्दी किसी के बाद में समय के अनुसार। सबके अपने अपने घर में 5 मेंबर हैं, सबके अलग अलग कर्म है, ये पूर्ण सत्य बातें। मैंने गुरु पूर्णिमा के दिन मन में ये सोचा बाबा बुलाए, बाबा मेरे को बुलाओ ना, कब बुलाओगे, ये आज मैं यहाँ आ गई। मैं सावन में पहली बार आई हूँ, मैं सिर्फ साल में एक बार जाम से रखती हूँ बरसी पे, कभी कभी कोई बड़ी फैमिली या काम हो जाता है तो दूसरे दिन। अब की बार बरसी पे दूसरे दिन आई, आराम से दर्शन किए, प्रसादी ली, भंडारे की वगैरह। और पहले मैं आती थी ना यहाँ पे, इतनी भीड़ होती थी, मेरे को ऐसा लगता बाबा कोई छोर यहाँ को ऐसे भेजेंगे कि मैं और मेरी बहन और आती एक दो बहनें साथ में होती, कहीं से भीड़ कोई मिल के कहता ना इधर से चलो लो जाओ, जिमा के बेचते 7 प्रसादी डाल के बेचते। मैंने कहा बाबा इतनी भीड़ है, और देखो कभी ऐसे नहीं बेचते बाबा जिमा के बेचते, यहाँ कभी बहुत चमत्कार है, बहुत चमत्कार। इस मिश्री और आश्रम में इतना चमत्कार है दीदी, मैं आपको क्या बताऊँ।